गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? घर पे पढ़ाई कर रहे हो ना अच्छे से? वेरी गुड। पिछले वीडियो में हमने ओ की मात्रा वाले शब्द सीखे थे, आप सबको समझ में आ गया होगा। घर पे प्रैक्टिस कर ली होगी, टेक्स्ट बुक नोटबुक कंप्लीट कर ली होगी, की है ना सभी ने? वेरी गुड। तो आज हम ओ की मात्रा वाले शब्द सीखेंगे। ये देखो, ये है औ की मात्रा। ओ की मात्रा थी, उसमें बाजू में वन लाइन और ऊपर वन लाइन थी, वो ओ की मात्रा थी। और ये औ की मात्रा है, इसमें ऊपर दो लाइन लगी होती है। ये औ की मात्रा वाले शब्द है। औ की मात्रा वाले शब्द स्टार्ट करने से पहले मैं आज का थॉट बताऊंगी। थिंक बिग ड्रीम बिग, यानी बड़ा सोचो और बड़े सपने देखो। अगर हम बड़ा सोचेंगे तो ही बड़े सपने देख पाएंगे, और सपने देखो और उसको साकार भी करो। तो बड़ा सोचो, अच्छा सोचो और बड़े बड़े सपने देखो। अब हम स्टार्ट करेंगे औ की मात्रा वाले शब्द। देखो और पढ़ो। ये देखो, ये किसका पिक्चर है, कौन बताएगा मुझे? कौवा है ना, कौवा देखा है ना आपने सभी को, कौवे को? हाँ, तो ये है कौवा। तो कौवा बोलेंगे, उसके पीछे आपको क्या सुनाई देगा बोलो सभी, और मुझे बताओ। कौवा, तो क में कौन सी मात्रा सुनाई दी? औ की मात्रा सुनाई ना, सुनो सभी। कौ, औ की मात्रा सुनाई थी ना, तो ये औ की मात्रा। क प्लस औ की मात्रा प्लस अ प्लस आ की मात्रा इज इक्वल टू कौवा। नेक्स्ट, ये क्या है? नौका, नाव होती है ना, उसको नौका भी कहते। तो ये नौका, तो न में कौन सी मात्रा सुनाई देती है? औ की। न प्लस औ की मात्रा प्लस क प्लस आ की मात्रा इज इक्वल टू नौका। तो ये आपको समझ में आ गया बच्चों, औ की मात्रा, क के बाजू में औ की मात्रा लगानी है। ये कौवा और ये नौका। आगे पढ़ो और समझो। यहाँ पर हमें शब्द रीड करने हैं, आपको भी रीड करने हैं। चलो, कौन रीड करेगा? क्या है? द, उसके बाजू में औ की मात्रा लगाए तो हो जाएगा दौ। उसके बाद ड, उसके बाजू में आ की मात्रा, दौडा। उसके बाद म, इसके बाजू में कौन सी मात्रा है? औ की मात्रा। हाँ, याद रखना, देखना, ओ की मात्रा नहीं है। ओ की मात्रा में ऊपर वन लाइन होती है, यहाँ पर टू लाइन बनाई है, इसलिए ये है औ की मात्रा। मौसी। नेक्स्ट, पको की मात्रा पौधा। नेक्स्ट, चौकी। नौका। तौलिया। पकौड़ा। फौज। हथौड़ा। चौका। चलो फिर से रीड करो। दौड़ा, मौसी, पौधा, चौकी, नौका, तौलिया, पकौड़ा, फौज, हथौड़ा, चौका। आगे अब हम वाक्य रीड करेंगे। आओ पढ़े। सौरभ, क्या है? सौरभ मौसी के घर गया। सौरभ कहाँ गया? मौसी के घर। गर्मी का मौसम था। क्या थी? गर्मी थी। मौसी के बेटे गौरव ने दौड़
कर दरवाजा खोला। मौसी चौकी पर बैठकर पकौड़ी और कचौड़ी खा रही थी। मौसा बोले, आओ आओ बैठो, पकौड़ी खाओ, अपनी बेटी गौरी को आवाज लगाई। पकौड़ी लाओ, कचौड़ी लाओ, नौकर फटाफट बना लाया। सबने मिलजुल कर खाया, 14 दिन मौज उड़ाई। चलो फिर से रीड करो। सौरभ मौसी के घर गया, गर्मी का मौसम था। मौसी के बेटे गौरव ने दौड़ कर दरवाज़ा खोला। मौसी चौकी पर बैठकर पकौड़ी और कचौड़ी खा रही थी। मौसा बोले, आओ आओ बैठो, पकौड़ी खाओ, अपनी बेटी गौरी को आवाज़ लगाई। पकौड़ी लाओ, कचौड़ी लाओ, नौकर फटाफट आया। सबने मिलजुल कर खाया, 14 दिन मौज उड़ाई। आपको समझ में आ गया बच्चों? तो ये था औ की मात्रा वाले शब्द। तो आपको ये अच्छे से फिर से घर पर रीड करना है, उसके शब्द, उसके वाक्य, कहाँ पर औ की मात्रा लगाते हैं वो, जो भी व्यंजन में पीछे औ सुनाई दे वहाँ पर आपको औ की मात्रा लगानी है, और औ की मात्रा कैसे लगाते हैं, व्यंजन के बाजू में, और उसमें बाजू में 1 लाइन और ऊपर 2 लाइन होती है, तो वो है औ की मात्रा। तो इसकी आप घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करना रीडिंग की। ओके बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम उसका अभ्यास करेंगे। थैंक यू।